गुड इवनिंग एंड जैन बच्चों बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं बिहार राज्य के बच्चों के लिए पूरी डिटेल NMMS की लेके आया हूं, जिनकी परीक्षा 18 दिसंबर को है, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय स मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। तो बच्चों, आप देखिए, आपको कहीं पर भी कोचिंग के लिए भटकना नहीं होगा, मेरे चैनल पर सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, सभी चीज़ें फ्री में। बस आपको यूट्यूब के जरिए देखना है वीडियोज़ को, नोट्स बनाने हैं कॉपी में और तैयारी रखनी है। अभी मैं आपको बिहार राज्य का पेपर भी दिखाऊंगा बच्चों, जो इसका पैटर्न है पूरा सेम है, चाहे बिहार के बच्चे हो, चाहे हरियाणा के, चाहे राजस्थान के। मैट के 90 प्रश्न आते हैं और सैट के 90 प्रश्न आते हैं। तो ये सभी के ढेर सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, इसका आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए कि इस राज्य का उस राज्य का है, क्योंकि ये बच्चों केंद्र सरकार की स्कीम है, ठीक है। पूरे देश में 1 लाख के ऊपर छात्रवृत्ति दी जाती हैं, आपके बिहार राज्य में 5,000 कुछ छात्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। वैसे उत्तर प्रदेश में 15,143 हैं। ये सब टोटल बच्चों पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है, उस आधार पर छात्रवृत्ति की संख्या को बांटा गया है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने स्कूल्स हैं, ये आप देख लीजिए, स्कूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं और कितने अप्रूव हो गए हैं और कितने रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आपको अपने जनपद का पता चल जाएगा। ये देखिए 16 तारीख आज की ही डिटेल है पूरी, ठीक है, 16 तारीख का है 2022-23 और प्रोजेक्ट ईयर है 2023-24, क्योंकि जो छात्रवृत्ति मिलेगी आपको 2023 में जब आप 9 में एडमिशन लेंगे तब मिलेगी, ठीक है। तो आइए दिखाऊंगा आपको एक एक डिटेल। जो अररिया जिला है वहां पर 825 सबमिट हुआ था, अप्रूव हुआ है 783, तो 783 फॉर्म भरे गए हैं अररिया से। अरवल से 256 फॉर्म भरे गए हैं, औरंगाबाद से बच्चों 729 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। वैसे ही बांका से 507, बेगूसराय से 2,352 फॉर्म भरे गए हैं, भागलपुर से 779, भोजपुर से 1,325, बक्सर से 860, दरभंगा से 1,329, गया से 1,518, ठीक है। वैसे ही बच्चों ये देखिए गोपालगंज से 122 फॉर्म भरे गए, मतलब अप्रूव हो गए हैं, जमुई से 395 फॉर्म, जहानाबाद से 460 फॉर्म, कैमूर भभुआ से 745। बच्चों ये संख्या इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके भी डिस्ट्रिक्ट में फिक्स होगी सीट, वो मैं दिखा दूंगा किस जनपद में कितनी फिक्स सीट है, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसका जो चयन होता है बच्चों का जनपद स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ कितना कंपटीशन है, ठीक है, उस आधार पर। तो आप मेरिट कितनी जाएगी ये भी आप जान सकते हैं, ठीक है। इस बार क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में पिछली बार 36,000 फॉर्म लगभग भरे गए थे, इस बार 1,66,000 भरे गए, तो कंपटीशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी आप जारी रख सकते हैं। अब देखिए कटिहार में है 672, खगड़िया में है 694 फॉर्म, किशनगंज में 235 है, लखीसराय में 847 है, मधेपुरे में 538 फॉर्म है, मधुबनी में 2,081 फॉर्म है, मुंगेर में 493 फॉर्म है, मुजफ्फरपुर में 593 फॉर्म है, नालंदा में 2,191 फॉर्म है। इसके बाद देखिए नवादा में 1,400 फॉर्म है, पश्चिम चंपारण में 847, पटना में 1,717, पूर्वी चंपारण में 1,226 फॉर्म, पूर्णिया में 1,124 फॉर्म, रोहतास में 1,313 फॉर्म भरे गए हैं। इसके बाद है बच्चों सहरसा में 716 फॉर्म, समस्तीपुर में 2,994 फॉर्म, सारण में 590 फॉर्म, शेखपुरा में 229 फॉर्म, शिवहर में 144 फॉर्म, सीतामढ़ी में 626 फॉर्म, सिवान में 1,444 फॉर्म, सुपाल में 912 फॉर्म और आपका वैशाली में 1,082। तो कुल जो फॉर्म भरे गए हैं बच्चों वो भरे गए हैं 3,858, ठीक है। अब सीट लगभग 5,000 आपके हैं, तो कंपटीशन देख सकते हैं कि इतने 36,000 बच्चों में से इतने चयन होंगे। दूसरी बात ये देखिए, जो आपको डिफरेंस दिख रहा है अभी इसका घटाते हैं तो लगभग 12,000 का डिफरेंस है। ये भी बच्चों इसमें कुछ रिजेक्टेड फॉर्म है और अभी कुछ बाकी फॉर्म है, तो 1,500 रिजेक्ट हुए 90 फॉर्म, तभी 10,000 फॉर्म इसमें और जुड़ेंगे तो लगभग 46,000 फॉर्म बच्चों डल जाएगा, ठीक है। तो अभी डाटा अभी कल परसों तक एकदम कंफर्म आ जाएगा कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो उसकी भी मैं डिटेल आपको डाल दूंगा, तो एक आपको आइडिया लग गया कि 46,000 फॉर्म में से 5,000 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे कंपटीशन के लिए, ठीक है, जिनको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो बच्चों आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, तो आपको आगे भी पूरी डिटेल में बताते रहूँगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।